बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, हम अंधभक्तों की मांग है। एक मिनट, वो गमछा नहीं डाला तो अंधभक्त नहीं लग रहा हूं क्या? अंधभक्त कोट नहीं पहन सकता है? हैं? कोट पहन करके भी हम अंधभक्ति कर सकते हैं? हम अंधभक्तों की मांग है कि बहुत हुई मोदी सरकार, अब की बार कंगना सरकार। हम लोगों को कंगना सरकार चाहिए। हाँ, कंगना रनौत को हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कंगना रनौत प्रधानमंत्री बनेंगी तभी देश विश्व गुरु बनेगा। और देखना, ये लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर कंगना प्रधानमंत्री बन गई तो 10, 12, 14 ट्रिलियन कहीं भी जा सकता है। हा? एक मिनट भाई साहब, क्या बोल रहा है तू? अच्छा, कह रहा है कि कंगना के अंदर ऐसे कौन से गुण है कि वो प्रधानमंत्री। अबे कौन से गुण नहीं है कंगना के अंदर? आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है उन्होंने। 2014 में जब आजादी मिली है तो उसमें कंगना रनौत जी का महत्वपूर्ण योगदान था। है? रानी लक्ष्मी बाई है वो। अबे वो वाली नहीं, वो तो असली घोड़े में बैठ करके। हाँ भाई साहब, ये कंगना रनौत लकड़ी वाले घोड़े में बैठ के टिक 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 तब जाकर के आजादी दिलाई है। हाँ, अबे असली घोड़े में तो कोई भी बैठ सकता है, लकड़ी वाले घोड़े में 1 घंटा बैठ कर टेक के दिखाओ, तब पता चलेगा क्या बलिदान दिया है उन्होंने। है? और ये लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं बन सकती हैं? अरे काबिलियत है उनके अंदर। है? जब भी वो मंच पे, माइक पे, कहीं पर मीडिया के सामने आती हैं, कुछ भी अंटसंट बोल देती हैं, जो मन में आता है बक देती हैं। और कौन सी क्वालिटी चाहिए भैया प्रधानमंत्री के लिए? है? तो हम अंधभक्त मांग करते हैं कि अब की बार कंगना सरकार, कंगना को प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ, क्या क्या नहीं वो मतलब उन्होंने बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, आज तक किसी ने बताया 70 सालों में? तो जो बात कंगना जी बता रही हैं वो बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो भी अंडेशन बक रही है तब जाके वो प्रधानमंत्री के लिए वो दावेदार है। आजादी उन्होंने बोला कि 2014 में, इससे पहले आज तक किसी ने बोला था कि आजादी 2014 में मिली? एकदम फ्रेश और यूनिक चीजें बता रही हैं देशभक्तों को, देश को अवगत करा रही हैं। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? और तो और, जब अभी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर हुई थी, सारे लोग पूजा उजा में अपना जय श्री राम, अकेले कंगना जी चश्मा लगा के जय श्री राम जय श्री। मालूम भाई साहब, जब जय श्री मतलब हमारे प्रभु राम लंका के लिए जा रहे थे, उनके सेना में इतने सारे बंदर थे, इतना बंदर कोई चीख के उछल कूद के नहीं चिल्लाया होगा जितना हमारी कंगना जी ने चिल्लाया, तो वो प्रधानमंत्री बनने के हकदार नहीं है? और तो और, कंगना जी ने आज ये भी बोला कि मोदी जी जो है प्रभु राम के अंश हैं। देखा कितनी कमाल की बात कही। अब इसके बाद में भी तुम लोग बोलोगे कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है? कंगना प्रधानमंत्री बननी चाहिए। हाँ, हम लोगों की मांग है अब की बार कंगना सरकार। हाँ, और तो और भाई सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात, कंगना ने तो पप्पू बोल के भी दिखा दिया है। उन्होंने बोला ना कि एक पप्पू यहाँ, एक पप्पू वहां, पप्पू भी बोल दिया ना। और क्या चाहिए भाई, और कौन सी क्वालिटी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? पप्पू। अब क्या वो फेकू फेकू चिल्लाएंगे तब तुम लोग मानोगे कि फेकू और झूठू और जुमलू ऐसा बोलेंगे तब मानोगे तुम लोग? तो सुनो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग कुछ भी मांग कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हमें चाहिए कंगना सरकार, अब की बार कंगना सरकार। कंगना जी, आप लकड़ी घोड़े में बैठ के टिक 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 करती रहो, हम सब, हाँ जितने जाहिल अंधभक्त है सब आपके साथ है, अब की बार। हाँ, मोदी सरकार बाय बाय, कंगना सरकार। हाँ, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।